माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जब आप अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के बाद थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ा लीजिए, क्या पता उससे बेहतरीन सफर आपका इंतजार कर रहा हो। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है जो वो अपनी ड्रीम जॉब रखते हैं, जब वो जॉब मिलने के बाद एक और जॉब की तैयारी स्टार्ट करते हैं जो उससे और भी ज्यादा बेहतर है। नौकरी कोई अच्छी कोई बुरी नहीं होती, मेरे शब्द यूज हैं कि उससे भी ज्यादा बेहतर है, और उन स्टूडेंट्स को वो जॉब भी मिल जाती है। कई बार आप खुद को नहीं जानते मेरे दोस्त कि आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, आप चाहें तो और भी बेहतर जॉब पा सकते हैं। ऐसे बच्चा कह रहा है, सर कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, स्पीड नहीं बन रही होती। स्पीड बनती है जैसे ही आप प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। आप एक बैट्समैन देखते हो, एक ही शॉट को वो इतनी बार प्रैक्टिस करता है जिसकी हद नहीं, ठीक है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। आप किसी से सपोज करो सिक्स नहीं लग रहा, वो सोचता है यार ये छक्का ही नहीं मार पा रहा, लगता है जान नहीं है इसकी बॉडी, पता चला उसकी टेक्निक गलत है। समझ में आई बात? पता चला उसकी टेक्निक गलत है। भाई जब टेक्निक गलत होगी तो आदमी थोड़े टाइम बाद अपने ऊपर ही शक करने लग जाता है, शायद मैं ही लायक नहीं हूं। पता चला तू तो लायक है, तेरी टेक्निक गलत है। तो कई बार बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा एग्जाम में, वो सोचता है यार मेरे में ही कमी है, शायद मेरी पढ़ाई में कमी रह गई होगी, पता चला टेक्निक ही गलत लगा रहा है। पता चला वो छाट ही नहीं पा रहा है कि इंग्लिश में कमजोर क्या है, पता पूरी इंग्लिश वीक है। अरे पूरी इंग्लिश वीक है, ग्रामर वीक है, वोकैब वीक है, कॉम्प्रिहेंशन वीक है, फिर उसमें भी सोच, कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज में नंबर नहीं आ रहे, क्लोज टेस्ट में नहीं आ रहे, पैरा जंबल्स में नहीं आ रहे, वोकैब में भी क्या सेक्शन कमजोर जा रहा है, इडियम्स में नंबर कट रहे हैं, स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स गलत हो रहे हैं, वन वर्ड गलत हो रहे हैं, ग्रामर में भी देख कौन से टॉपिक में गड़बड़ कर रहा है तू मेरे भाई। तो गहराई से घुसता चलना, कभी एक बार पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के तो देखो, पूरी इंग्लिश को डिवाइड करके तो देखो, देखो कौन सा सेक्शन वीक पड़ रहा है। बस मुंह उठाया बोल दिया सर इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश में नहीं आ रहे, अरे ये देखना कौन से सेक्शन में नहीं आ रहे। तो इंग्लिश को सेक्शन वाइज जब तक डिवाइड नहीं करोगे ना, और सेक्शन के अंदर घुस जाओ, ग्रामर में भी कहां नंबर कट रहे हैं, कौन से टॉपिक में ऐसा लग रहा है, वोकैब में भी कहां नंबर कट रहे हैं, या ओवरऑल वोकैब सेक्शन कमजोर हो रहा है तो ओवरऑल वोकैब पढ़, फिर वोकैब पर ज्यादा फोकस कर, इन पर कम फोकस कर। देख कॉम्प्रिहेंशन में गड़बड़ है, क्यों है, कहीं वोकैब कमजोर है, उसकी कमजोरी कॉम्प्रिहेंशन भी भुगतेगा। समझ पा रहे हो आप? तो इन चीजों को आप दिमाग में लगाकर बैठाइए।